शुरू कर रहे हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, पहला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन दूसरा ऑप्शन है, तीसरा पशुचारण खेती, और चौथा जाति समाज। सभी ने ऑप्शंस देख लिए होंगे। देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में व्यवस्थित शहरी जीवन लिखा हुआ है, और यही व्यवस्थित शहरी जीवन ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, सिंधु घाटी सभ्यता की यही सबसे प्रमुख विशेषता थी। नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, नगरों में मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे और सड़कें चौड़ी तथा सीधी थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं सड़कें। नगर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए पक्की और ढकी हुई नालियां बनी हुई थीं। इस तरह से सब कुछ बहुत व्यवस्थित रूप में था, सारा नगर जाल के समान, ग्रिड के समान व्यवस्थित था। तो इस तरह से ऐसी उत्तम व्यवस्था इनके नगरों की थी, और इसी कारण से क्वेश्चन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, इस प्रश्न के उत्तर में दूसरा ऑप्शन व्यवस्थित शहरी जीवन, यही उत्तर सही होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर टू, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी, रावी नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल था, और इस स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, और इस स्थान की खोज वर्तमान पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, उत्तर दूसरा सही है, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते ये शब्द है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते सत्य की ही विजय होती है, हमारा सूक्ति वाक्य है ये, और हमारे राज चिन्ह में, राष्ट्रीय चिन्ह में फलक के नीचे ये अंकित है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं किससे लिया गया है, प्रश्न पूछा गया है किस ग्रंथ से लिया गया है सूक्ति वाक्य सत्यमेव जयते। ऑप्शन में है उपनिषद, और उपनिषद का नाम भी साथ में दिया गया है, मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद। फिर दूसरा ऑप्शन सामवेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद, और चौथा ऑप्शन रामायण। और इस प्रश्न का उत्तर सही है, सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ से लिया गया है वो ग्रंथ है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसको दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, मुंडकोपनिषद ऐसे लिखा रहता है ऑप्शन में, या फिर मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद ऐसे लिखा हो सकता है। और हमें सतर्क भी रहना है, अच्छी तरह से देख लेना है क्या नाम है उपनिषद का, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद। इसी तरह के नाम वाला एक और उपनिषद है, मांडूक उपनिषद, मांडूक उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद, उसको भी जोड़ करके लिखा जाता है मांडुक्यो उपनिषद, जैसे मुंडकोपनिषद लिखा है ऐसे मांडुक्यो उपनिषद।
मुंडक उपनिषद, मांडव्योक उपनिषद, तो हमें सतर्क रहना है, देखना इसको अच्छी तरीके से। ये मांडव्योक उपनिषद ये गलत उत्तर होगा, और मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसमें उपनिषद या मुंडको उपनिषद प्रथम ऑप्शन में दिया गया उत्तर, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, पहले ऑप्शन में जौ और चावल, दूसरे ऑप्शन में है दूध और इसके उत्पाद, तीसरे ऑप्शन में है चावल और दालें, और चौथे ऑप्शन में सब्जियां और फल। देखिए भाई, आर्य पशुपालन का कार्य करते थे, प्रारंभिक आर्यों का सबसे प्रमुख व्यवसाय पशुपालन ही था, बाद में उत्तर वैदिक काल में उन्होंने कृषि को अपना प्रमुख व्यवसाय बना लिया और द्वितीयक व्यवसाय पशुपालन बन गया। तो पशुओं को पालने के कारण दूध और दूध से बनी वस्तुएं, दूध और इसके उत्पाद, यही आर्यों का प्रमुख भोजन था। दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया है दूध और इसके उत्पाद, क्योंकि पशुओं का पालन करते थे तो दूध की उनके पास कमी नहीं थी, दूध से बनी हुई अन्य पदार्थ जिनमें दही है, मक्खन है, पनीर है इत्यादि का सेवन करते थे, तो इस तरह से दूध और इसके उत्पाद ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्टेपल फूड, स्टेपल फूड यानी कि प्रमुख भोजन आर्यों का था दूध और इसके उत्पाद, खाद्यान्न के रूप में वो गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे, अन्न के रूप में गेहूं और जौ खाते थे, स्टेपल फूड यानी कि प्रमुख भोजन उनका था दूध और इसके उत्पाद। अब अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, पहले प्रश्न में बलि, दूसरे में विधाता, तीसरे में वर्मन और चौथे में कर। वैदिक काल में जो राजा कर वसूल करते थे उस कर का नाम था बलि। बलि नामक कर को राजा वैदिक काल में वसूल करते थे। अगले क्वेश्चन में है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, या फिर दूसरा ऑप्शन है वे अधिक लंबे और बलवान थे, तीसरा ऑप्शन है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या फिर चौथा अंतिम ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। देखिए, आर्य पशुपालन का कार्य करते थे अभी हमने बताया, और उनके दो पशु प्रमुख थे, सबसे ज्यादा महत्व था दो पशुओं का उनके लिए, एक गाय जो कि मानक मूल्य थी और दूसरा पशु था घोड़ा। घोड़े का प्रयोग वे युद्धों में करते थे और उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, युद्धों में घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया और सफलता पाई, अनार्यों को पराजित कर दिया। आर्य ऐसा माना जाता है मध्य एशिया के निवासी थे और उन्होंने एक एक करके कबीले में भारत पर आक्रमण किया था, और यहां रहने वाले लोगों को जो कि अनार्य जिन्हें कहा गया है उन्हें पराजित किया था, तो उनकी सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था घोड़ों ने, और घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करके उन्होंने अनार्यों को युद्ध में पराजित कर दिया। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, पहले ऑप्शन में खरोष्ठी, दूसरे ऑप्शन में अज्ञात, अज्ञात माने पता ही नहीं है, तीसरा ऑप्शन ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन तमिल। देखो,
सिंधु सभ्यता की लिपि, लिपि अभी तक पता नहीं है, और उनकी लिपि मानी जाती है भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ मानी जाती है, और लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक समझा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका यानी कि समझा नहीं जा सका। इसी कारण से इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सी लिपि थी, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, वो लिखते थे दाएं से बाएं, लेकिन क्या लिखा है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, इस प्रश्न का उत्तर अज्ञात, यही उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली। आर्यों ने भारत पर आक्रमण करने के बाद में खुद को एस्टेब्लिश किया था सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु या सप्त सैंधव प्रदेश में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, और इस प्रदेश की पहचान सात नदियों के प्रदेश के रूप में है, सात नदियों का प्रदेश कहलाता था सप्त सिंधु, और यह प्रदेश पंजाब और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहां पर इसकी स्थिति की पहचान की गई है, वही स्थान है सप्त सिंधु, सात नदियों का प्रदेश, और यहीं पर सबसे पहले आर्यन जनजातियों की बस्ती स्थापित हुई थी। तो उत्तर सही है तीसरा, सप्त सिंधु या सप्त सैंधव प्रदेश, सात नदियों का प्रदेश, यह उत्तर सही है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त या फिर विश्वामित्र। इन चार दिए गए विद्वानों में से तीसरा ऑप्शन लिखा है अगस्त। अगस्त वो विद्वान थे, पंडित थे, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार करके उत्तर भारत की सीमा लांघ करके दक्षिण भारत में प्रवेश किया और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। तो इस प्रश्न में उत्तर सही होगा अगस्त। दसवां प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवध पहला ऑप्शन है, दूसरा रुहेलखंड, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा मालवा। अवंतिका प्राचीन नाम है अवंतिका। और अवंतिका की पहचान वर्तमान समय में उज्जैन से होती है, उज्जैन नगर मध्य प्रदेश, और यह वही क्षेत्र है जिसे वर्तमान समय में मालवा भी कहा जाता है। मालवा, मालवा का प्रांत मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा है, जो कि उज्जैन, देवास, इंदौर वाला जो क्षेत्र है उसी को मालवा कहा जाता है, और अवंतिका इस क्षेत्र की पहचान के रूप में वर्तमान में कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से पहले जाना जाता था प्रश्न के लिए, उत्तर चौथा यही मालवा ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11, महावीर की माता कौन थी। पहले ऑप्शन में दिया है यशोदा, दूसरे ऑप्शन में दिया है अणोज्या, तीसरे ऑप्शन में दिया है चेतक, और चौथे ऑप्शन में दिया त्रिशला। इसमें जो नाम दिए गए हैं उनमें सबसे पहले यशोदा लिखा हुआ है। यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी थी।
महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है अड़ोज्या। अड़ोज्या ये महावीर स्वामी जी की पुत्री थी। और तीसरे ऑप्शन में चेतक लिखा हुआ है। चेतक महावीर स्वामी जी के मामा थे। और चौथे ऑप्शन में लिखा है त्रिशला। त्रिशला इन्हीं चेतक की बहन थी, राजा चेतक की। और त्रिशला ये महावीर स्वामी जी की माता का नाम था। यही उत्तर सही है। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाखमा, चैत, खानकाह या अंगेरी? बौद्ध धर्म से संबंधित मठ का नाम है चैत। चैत बौद्धों के मठों में है। बाकी सभी गलत आप उत्तर दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो अलग अलग संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। उत्तर सही है चैत। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में पाली भाषा में, तीसरे ऑप्शन में संस्कृत पाठ में, और चौथे ऑप्शन में है चित्रलेखी पाठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा थी पाली भाषा। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ उनकी रचना हुई तो भाषा पाली थी जिसमें रचना की गई। बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान संप्रदायों में। और महायान जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय में विद्वानों ने संस्कृत भाषा में धर्म ग्रंथों की रचना की। तो इसमें जैसा प्रश्न किया जा रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई, तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई। दूसरा ऑप्शन ये उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? पहले ऑप्शन में भद्रबाहु है, दूसरे ऑप्शन में स्थूल भद्र है, चौथे तीसरे ऑप्शन में चार्वाक और चौथे ऑप्शन में जामाली। देखिए जामाल ये एक क्षत्रिय राजकुमार था और महावीर स्वामी जी का दामाद भी था। महावीर स्वामी जी का दामाद, और यही उनका पहला विरोधी भी था, और यही जामाली यही उनका पहला शिष्य भी था। तो इस तरह अन्य विद्वानों के नाम वो गलत हैं। महावीर स्वामी जी का पहला शिष्य जो व्यक्ति बना था उनका दामाद जामाली था। यह उत्तर सही है। 15वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? पहले ऑप्शन में है बौद्ध मठ, दूसरे ऑप्शन में अशोक मौर्य का रुम्मिन देवी स्तंभ, तीसरे ऑप्शन में मूर्ति और चौथे ऑप्शन में पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु, का लुम्बिनी वन या लुम्बिनी ग्राम, यह स्थान उनका जन्म स्थान माना जाता है। और वर्तमान समय में इसे रुम्मिन देई कहते हैं। लुम्बिनी वन को वर्तमान समय में इसका नाम है रुम्मिन देई। और ये नेपाल में है, नेपाल की तराई में, नेपाल का तराई क्षेत्र, यहां पर लोकेशन है इसकी। महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान नेपाल में है, नेपाल की तराई में। लुम्बिनी वन या लुम्बिनी ग्राम या लुम्बिनी उद्यान
कपिल वस्तु राज्य जहां पर स्थित ये स्थान, और इसी को वर्तमान समय में रुम्मिनदेही कहा जाता है। यहां पे सम्राट अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसी लुम्बिनी में ही, उसे रुम्मिनदेही का अशोक का अभिलेख कहा जाता है, और इसी अभिलेख से रुम्मिनदेही स्तंभ से अशोक मौर्य के गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया जाता है, पहचान की जाती है, इस बात की पुष्टि हो जाती है, गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान की पुष्टि बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा सम्राट अशोक के उनके जन्म स्थान पर स्थापित लुम्बिनी में स्थापित इस रुम्मिनदेही अभिलेख से हो जाती है। तो इस तरह से यही इस प्रश्न में उत्तर सही है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जिसके द्वारा अंकित किया जाता है वो अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ है, दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, वो ज्योग्राफी से है। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, और पहले ऑप्शन में दिया है आईएसआई मार्क आईएसआई, या दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक उत्पाद इको प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है एग मार्क, और चौथा ऑप्शन है हरित उत्पाद या ग्रीन प्रोडक्ट। कृषि उत्पादों की कोट निर्धारित की जाती है एग मार्क से, एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है, और ये कृषि और खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, गुणवत्ता की पहचान की जाती है इस मार्क के द्वारा ही वस्तुओं की। तो ये कृषि उत्पादों की कोट निर्धारण करने का कार्य जिससे किया जाता है वो प्रमाण चिन्ह कहलाता है एग मार्क, ये उत्तर सही है, तीसरा ऑप्शन एग मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 17, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का या पटसन, भारत में तीन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसल मार्च में बो करके, बोने का समय है मार्च, और काटने का समय जून, जून में काटी जाती है। जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है, इसमें अधिकांशतः सब्जियां बोई जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अनुसार तरबूज ये जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, उत्तर सही है पहला, बाकी गलत है, सोयाबीन, मक्का, पटसन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत का अधिकांश क्रोमाइट कहां पर पता लगाया है, देखिए क्रोमाइट के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में, और भारत का अधिकांश क्रोमाइट एक ही राज्य उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है, क्रोमाइट के उत्पादन में और भंडारण में दोनों में उड़ीसा राज्य प्रथम है, और उड़ीसा में सुकिंदा घाटी कटक ये क्रोमाइट उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, पहले ऑप्शन में कटक दिया है, दूसरे ऑप्शन में सिंहभूम दिया है, तीसरे ऑप्शन में मणिपुर दिया है, चौथे में हुबली दिया है, वो रॉन्ग आंसर्स हैं सभी तीन के आखिर वाले, और पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कटक उड़ीसा, सुकिंदा घाटी कटक,
ये बड़ी प्रसिद्ध है क्रोमाइट उत्पादन के लिए, यही उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किसमें है? पहले ऑप्शन में हल्दिया, दूसरे में बॉम्बे हाई, तीसरे में नेवेली और चौथे में डिगबोई। सही करिए इसको। भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी ये तेल उत्पादन की सबसे पुरानी पेटी है। ब्रह्मपुत्र घाटी भारत में तेल उत्पादन की सबसे पुरानी पेटी है और यहीं पर 1889 में डिगबोई में तेल के कुएं की खुदाई हुई थी डिगबोई में। तो इस तरह से दिए गए ऑप्शंस में कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किसमें है, तो बाकी के ऑप्शंस तो गलत हैं, अंतिम ऑप्शन डिगबोई ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% शहरी आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, पहले ऑप्शन में, दूसरे में बिहार में, तीसरे में महाराष्ट्र में और चौथे ऑप्शन में राजस्थान में। अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत इसमें पूछा जाता तो फिर उत्तर प्रदेश सही होता, लेकिन इसमें शहरी आबादी का प्रतिशत दिया गया है, पूछा गया है। और इस तरह से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा भी वही चल रहे हैं 2011 के ही, 2021 की जनगणना अभी हो नहीं पाई है, तो उसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य ये उत्तर सही है। महाराष्ट्र में 13.48% शहरी आबादी भारतवर्ष में रहती है, सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, ये उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1921 से 1931, दूसरे ऑप्शन में 1941 से 1951 और फिर तीसरे में 1951 से 1961 और चौथे में 1971 से 1981। 1911 से 21 का दशक, 1911 से 21 ये दशक, इस दशक में महामारियों के फैलने के कारण और लगातार 2 वर्ष तक सूखा पड़े रहने के कारण जनसंख्या में ह्रास देखा गया था, कमी देखी गई थी, जनसंख्या कम हो गई थी देश में। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ था, यानी कि कमी हुई थी। और 1921 का वो वर्ष है जिसे जनांकिकी विभाजक कहा जाता है, भारत में जनगणना में जनांकिकी विभाजक 1921 के वर्ष को कहा जाता है। इस वर्ष के पश्चात फिर भारत में निरंतर जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, तो 1921 के वर्ष के बाद में, यानी कि 1921 से 1931
ये जो काल अवधि है इस ह्रास हुए दशक के बाद में फिर बढ़ी हुई जनसंख्या जिसमें पहली बार प्राप्त हुई वो 1921 का से 1931 का दशक था और यही इसमें उत्तर सही है। इस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग के रूप में कहा जाता है भारत में। इसके बाद में फिर निरंतर भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई और आज तक वो बढ़ती चली जा रही है। तो उत्तर इसमें सही है 1921 से 1931। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? लक्षद्वीप में या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या दमन और दीव में या दादरा नगर हवेली में? और उत्तर सही है दूसरा ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहां पर समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर दोनों स्थान राजस्थान में है। सरिस्का और रणथंभौर बड़े प्रसिद्ध स्थान है और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये दोनों स्थान भारत के टाइगर रिजर्व हैं। यहां पर राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर में टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। बाघ संरक्षण परियोजना स्थापित की गई है, यहां पे संरक्षण दिया गया है बाघों को, टाइगर्स को, तो इस कारण से ये सरिस्का रणथंभौर प्रसिद्ध है। और इसमें सिंह दिया था ऑप्शन में, हिरण दिया है, बाघ दिया है, भालू दिया है, तो तीसरा ऑप्शन जो बाघ दिया हुआ है ये सही है। बाघों का सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंभौर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? देखिए, जहां स्थानीय और वैश्विक रूप से जातियों की समृद्धता पाई जाती है, अनेकों जातियां, बड़ी संख्या में जातियां पाई जाती हैं, वहां पे समृद्ध होती हैं जातियां, पलती बढ़ती हैं, वृद्धि होती है, परंतु उनकी आवास विलुप्ति का संकट बना हुआ है, मानव के कारण उनकी आवास विलुप्ति का संकट बना हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र या हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वेस्टर्न हिमालयाज यानी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इनमें से उत्तर इसमें सही है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऐसा ही अतिक्रियाशील पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल है, भारत का हॉट स्पॉट है, उसे चुना गया है इस रूप में, जहां उन प्रजातियों के लिए संकट बना हुआ है। समृद्धता तो बहुत है लेकिन उनके लिए संकट भी बना हुआ है, तो ऐसे हॉट स्पॉट के रूप में भारत में चयनित किया गया है पश्चिमी घाट को। और यह क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों तक विस्तृत है। 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो उत्तर तीसरा ऑप्शन, यह उत्तर सही है। पच्चीसवां क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र में, दूसरे ऑप्शन में केवल दक्षिणी क्षेत्र में, तीसरे ऑप्शन में दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, और चौथे में इनमें से कोई नहीं। लाल मिट्टी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों के द्वारा जो बनाई गई है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र में है, और दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और लाल मिट्टी भारत में प्रमुख रूप से तमिलनाडु,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से मिट्टी पाई जाती है। तो ये वही क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन यानी कि दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में हमने नाम बताए भी राज्यों के, तमिलनाडु का नाम बताया, कर्नाटक का बताया, आंध्र प्रदेश का बताया, और इसके आगे बढ़ने पर पूर्वी भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के नाम बताए, तो यही उत्तर इसमें सही है। इसी क्षेत्र में विस्तृत रूप से मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, और लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, और दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में भारत में यह मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तर सही है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है? पहले ऑप्शन में लोअर गंगा नहर, दूसरे ऑप्शन में शारदा नहर, तीसरे ऑप्शन में ईडन नहर और चौथे ऑप्शन में सरहिंद नहर है। लोअर गंगा नहर, ये उत्तर प्रदेश की नहर है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर, गंगा नदी से नहर निकाली गई है, नरोरा के पास से, उत्तर प्रदेश में नरोरा बुलंदशहर के पास में नरोरा पड़ता है, नरोरा से नहर निकली है लोअर गंगा कैनाल, लोअर गंगा नहर। और दूसरी नहर थी है शारदा नहर। शारदा नहर भी उत्तर प्रदेश की ही नहर है और यह शारदा नदी से निकली है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। फिर दिया हुआ है ईडन नहर और उसके बाद दिया सरहिंद नहर। सरहिंद नहर ये पंजाब राज्य की नहर है और सतलज नदी से इस नहर को निकाला गया है। तो ये ऑप्शन तो इस प्रश्न के उत्तर में गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से दो नहरें हैं और ये अंतिम नहर जो लिखी है सरहिंद नहर वो पंजाब से है। तो एक नहर इसमें बची ईडन नहर जो तीसरे ऑप्शन में दी गई है, और ईडन नहर यही उत्तर सही है, पश्चिमी बंगाल की नहर है और दामोदर नदी से इस नहर को निकाला गया है। तो दिए गए प्रश्न में ईडन नहर इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? इसमें ऑप्शन में दिए हुए ब्यास नदी, दूसरा सतलुज नदी, तीसरा साइलोक नदी और चौथा नुब्रा। देखिए चौथे ऑप्शन में नुब्रा नदी लिखा हुआ है, नुब्रा, नुब्रा या नुब्रा। और इस नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम, इसका ओरिजिन सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है नुब्रा नदी और लगभग 80 किलोमीटर आगे बहती हुई नदी श्योक नदी के साथ में दिस्कित एक जगह का नाम, जम्मू कश्मीर में, एक्चुअली लद्दाख क्षेत्र की यह नदी है, अब बट गया है, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली यह नदी है नुब्रा नदी। और जहां पे नदी बहती है इसमें कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है, उत्तर सही है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का उद्गम ही सियाचिन ग्लेशियर से है, उद्गम सियाचिन ग्लेशियर। और अभी हमने बताया कि लद्दाख क्षेत्र की यह नदी है। अब अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है?
और पहले ऑप्शन में दिया है साबरमती नदी, दूसरे ऑप्शन में दिया है नर्मदा नदी, तीसरे में बनास नदी और चौथे में लूनी नदी। बहुत प्रसिद्ध नगर है अहमदाबाद, अहमद शाह ने इस नगर की स्थापना की थी, मध्यकाल में भी बड़ा प्रमुख नगर रहा और वर्तमान समय में भी बड़ा प्रमुख नगर है, गुजरात राज्य में स्थित है, सूती कपड़े के कारखानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम साबरमती नदी है। साबरमती नदी का उद्गम मेवाड़ की पहाड़ियों से होता है राजस्थान में, और मेवाड़ पहाड़ियों से बहती हुई नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, और अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। तो उत्तर इसमें यही सही है, साबरमती नदी इस नदी के किनारे अहमदाबाद नगर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 29, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है, तो भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत 24% लगभग इतना है, पूरा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया पूरा का पूरा अबाउट 24% है भारत में वर्तमान समय में, और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 30%, 25%, 25% से कम या 33%। तो यही उत्तर तीसरा इसमें सही है, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है 25% से कम, तीसरा ऑप्शन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कस्तूरी महामृग पाया जाता है, और ऑप्शन में है कान्हा, दूसरे ऑप्शन में दाचीगाम, तीसरे ऑप्शन में गिर और चौथे ऑप्शन में मुदुमलाई। कस्तूरी महामृग, कस्तूरी स्टैक, कस्तूरी महामृग, इसको मस्क डियर भी कहते हैं इंग्लिश में, मस्क डियर भी कहा जाता है इसे, और यह हिमालय में पाया जाता है, कस्तूरी महामृग हिमालय में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी नाभ में कस्तूरी पाई जाती है, उसमें खुशबू आती है, और इसी कारण से उस कस्तूरी से इत्र बनाया जाता है, उसका औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस हिरण का बहुत शिकार किया गया और लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया। इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाने के लिए, कस्तूरी महामृग मस्क डियर के बचाने के लिए जो सेंचुरी स्थापित की गई है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और उस सेंचुरी का नाम है दाचीगाम। उत्तर सही है दाचीगाम, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम में हिमालयी कस्तूरी महामृग के संरक्षण के लिए यह सेंचुरी स्थापित की गई है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस थे, हमने वो सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। अब अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।